इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्विमितीय आकृतियाँ, जिसे हम 2D शेप्स भी कहते हैं। यह वीडियो गणित विषय के कक्षा 4 व 5 के लिए उपयोगी होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि द्विमितीय आकृतियाँ क्या होती हैं, द्विमितीय आकृतियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और द्विमितीय आकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक 6 भुजाओं वाली आकृति बनाई है, और इस 6 भुजाओं वाली आकृति पर कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन प्रतीक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? तो जैसे इस प्रतीक चिन्ह को हम 90 अंश के कोण को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। यदि भुजा पर इस तरीके की एक सीधी रेखा बनाई जाए तो यह बराबर लंबाई के रेखाखंडों को प्रदर्शित करता है। यदि दो बराबर रेखाएं बनाई जाए तो उसे भी हम बराबर लंबाई के रेखाखंडों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ इस तरीके का प्रतीक चिन्ह हम समांतर रेखाएं दर्शाने के लिए करते हैं। द्विमितीय आकृतियां, या जिसे हम 2D शेप्स कहते हैं, समतल सतह पर कुछ स्थान को घेरती हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, यह एक समतल है और इस समतल सतह पर इस आकृति ने कुछ स्थान घेरा हुआ है। कुछ इस तरीके से इन आकृतियों को भी हम कह सकते हैं। द्विमितीय आकृतियों में दो आयाम होते हैं, जिसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, और उस लंबाई और चौड़ाई को हम माप सकते हैं। इसमें तीसरा आयाम गहराई नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि बहुभुज क्या होता है। बहु का मतलब होता है कई, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। एक द्विआयामी आकृति जिसमें कम से कम 3 सीधी भुजाएं हों और 3 कोण हों, उसे हम बहुभुज आकृतियां कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक बहुभुज आकृति है, यह भी एक बहुभुज आकृति है। यह बहुभुज आकृति नहीं है क्योंकि इसमें 3 सीधी रेखाएं नहीं है। यह एक बहुभुज आकृति है, यह बहुभुज आकृति नहीं है क्योंकि इसमें एक गहराई भी है। यह बहुभुज आकृति है, यह बहुभुज आकृति नहीं है, और यह भी बहुभुज आकृति नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 3 सीधी रेखाएं नहीं है। यह बहुभुज आकृति नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर इस कोण को भी माप नहीं सकते हैं, और इसमें 3 भुजाएं भी नहीं हैं। तो एक बहुभुज आकृति में कम से कम 3 निश्चित आकार के कोण होते हैं। आइए अब कुछ हम नियमित बहुभुज आकृतियों को देखते हैं। नियमित बहुभुज आकृतियों में समान लंबाई की भुजाएं और समान माप के कोण होते हैं। जैसे यहाँ पर यह एक ट्राइगोन यानी 3 भुजाओं वाली आकृति, जिसे हम ट्राइंगल या त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं वाली आकृति को हम टेट्रागोन या फिर क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं वाली आकृति को हम पेंटागोन या फिर पंचभुज कहते हैं। 6 भुजाओं वाली आकृति को हम हेक्सागोन या फिर हम षटभुज कहते हैं। 7 भुजाओं वाली आकृति को हम हेप्टागोन या फिर सप्तभुज कहते हैं। इसी तरीके से 8 भुजाओं वाली आकृति को हम ऑक्टागोन या फिर अष्टभुज, और 9 भुजाओं वाली आकृति को नोनागोन या फिर नौभुज आकृति कहते हैं। इसी तरीके से 10 भुजाओं वाली आकृति को हम डेकोगोन या फिर 10 भुज कहते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। आप इन आकृतियों के आंतरिक कोणों के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप प्रत्येक आकृति पर समान माप के आंतरिक कोणों को किसी प्रतीक द्वारा दिखा सकते हैं? तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं और 2 कोण भी बराबर हैं। यह एक समचतुर्भुज है क्योंकि इसके सभी 4 कोण बराबर हैं, और यह एक पतंग आकृति की आकृति है क्योंकि इसमें इसकी संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हैं। जैसे ये 2 संलग्न भुजाएं बराबर हैं और यह संलग्न भुजाएं बराबर हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यह कौन सी आकृति है और इसे हम दिखाने के लिए कौन से प्रतीक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल सही, यह एक विषम बाहु त्रिभुज है और इसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए हम कुछ इस तरीके से इसे प्रदर्शित करेंगे। हम विभिन्न द्विमितीय आकृतियों को वर्गीकरण कर सकते हैं भुजाओं की संख्या के आधार पर, या फिर उनके आंतरिक कोण के आधार पर, या भुजाओं की लंबाई के आधार पर, या समांतर भुजाओं के आधार पर। तो आइए हम कुछ यहाँ पर वर्गीकरण देखते हैं। जैसे यह त्रिभुज है, त्रिभुज जिनकी 3ों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज, जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरीके से चतुर्भुज का वर्गीकरण यहाँ पर दिखाया गया है। पंचभुज 2 तरीके से हो सकते हैं। एक नियमित पंचभुज, मतलब जिसके सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर हों, और अनियमित पंचभुज जिसके सभी कोण या सभी भुजाएं बराबर नहीं हों।
इसी तरीके से षटभुज भी दो तरीके से हो सकता है, एक नियमित षटभुज और एक अनियमित षटभुज। अब आप बताइए कि आपके विचार से इस आकृति को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आप यहाँ पर आकृतियों के वर्गीकरण को देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इस आकृति को कौन से वर्गीकरण में रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से अब आप इस आकृति को भी देखिए और बताइए कि इसे हम कौन से प्रकार के वर्गीकरण में रख सकते हैं। इस आकृति के बारे में आपका क्या विचार है, इसे हम किस प्रकार के वर्गीकरण में रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि द्विमितीय आकृतियां क्या होती हैं, द्विमितीय आकृतियों को वर्गीकरण कैसे करते हैं, साथ ही साथ हमने द्विमितीय आकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है कि आपके आसपास में कौन कौन सी द्विमितीय आकृतियां दिखाई दे रही हैं। आप उन्हें लिखें और अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।